सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो ये जो है आपको मैंने जैसा बताया था लास्ट टाइम, तो ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल जो आपकी हियरिंग टेस्टिंग है, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है कि आपके क्या क्या पार्ट हैं, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जो अभी लास्ट जो मैंने वीडियोज डाली थी उसके अंदर मैंने आपको जो है दो टेस्ट के बारे में बताया था। मैं रिमाइंड कराया था आपको फॉर्मल के अंदर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो बिहेवियरल टेस्ट होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिक जो टेस्ट होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये सब बताया था। अब आप आगे जो है, मैं आपको टेस्ट बताए थे, ये आप जैसा देख पा रहे हैं, तो मैंने आपको प्योटोन ऑडियोमेट्री तक बता दिए थे, और इसके मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि आप इम्पोर्टेंट नहीं है, प्राइमरी के लिए या टीजीटी के लिए, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बताते हुए चलता हूँ, तो मैं आपसे टेस्ट के बारे में बात करता हूँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको टेस्ट के बारे में बताता हूँ। तो पहला टेस्ट है आपका, जैसे मैंने बताया था, ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर आता है। ठीक है, सब्जेक्टिव टेस्ट मैंने आपको बता दिए थे, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये सारे आपके सब्जेक्टिव टेस्ट थे। और ये जो है आपके यहाँ पे, ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर है, तो ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, ABR, ये फुल फॉर्म याद रखना। और इसके ना अदर्स नेम भी है, पहला है ASSR, ऑडिटरी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, दूसरा है ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, AABR। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये तीनों फुल फॉर्म आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है, और मैं आगे बात बताता हूँ कि ABR जो टेस्टिंग होती है क्या होती है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट है, जो आपका ABR है और ASSR है, प्रोसेस सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले इस चीज को आप जो ये फुल फॉर्म है आप लिख लेना, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, ये 1 मार्क्स में आ सकता है, 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। NASSR इज अ टेस्ट दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट द ब्रेन रिस्पॉन्ड टू अ साउंड, डज नॉट रिक्वायर एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट या फिर पेशेंट। तो जो भी पेशेंट होता है उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन की नीड नहीं होती, वो सो रहा हो ये टेस्ट हो जाता है। इस टेस्ट को जो डिस्क्राइब किया था वो गैलेम्बोस ने 1981 में डिस्क्राइब किया था, और ये आ सकता है हु डिस्क्राइब द टेस्ट ASSR। तो उसमें 4 नाम आ सकते हैं, ये आपका जो है क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आपके टीजीटी के एग्जाम में और प्राइमरी टीचर के भी एग्जाम में। ठीक है, तो ASSR इज मोस्ट कॉमनली यूज टू मेजर हियरिंग थ्रेशोल्ड फॉर इंडिविजुअल्स हु कैन नॉट और विल नॉट कोऑपरेट विद कन्वेंशनल बिहेवियरल और वॉलेंटरी रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। कहने का मतलब ये है कि ये उनके लिए होता है जो बिहेवियरल नहीं कर पाते। ठीक है, और वॉलेंटरी मतलब वो, उसका मतलब यही है कि वो खुद से जो रिस्पॉन्स करना होता है वो नहीं कर पाते, तो उनके लिए जो है ये यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये एक मेथड है जो हियरिंग थ्रेशोल्ड के लिए, कि पता लगा सकें कि हियरिंग में कहाँ पे क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये ऑडिटरी स्टेडी रिस्पॉन्स होता है, और मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि ऑडिटरी जो ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स है, बस में क्या होता है कि चाइल्ड, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हो, चाइल्ड जो है इसको 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, जो जिनको सेंसर्स बोलते हैं, एक फोरहेड पे लगाया जाता है और एक वन बिहाइंड ईच ईयर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, साउंड जो है वो प्ले की जाती है, द इलेक्ट्रोड्स डिटेक्ट हाउ योर चाइल्ड ईयर्स एंड ऑडिटरी जो हियरिंग नर्व है वो उस साउंड पे कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। ठीक है, तो इन कुछ ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ये जो टेस्ट है ये इन्फेंट में किया जाता है जो खुद से वॉलेंट्री रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। ठीक है, जो उनकी न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग नहीं हो पाती। ठीक है, ये सेफ टेस्ट है। ठीक है, तो यही मेरे को आपको बताना था, ये आपका इम्पोर्टेंट था। और इसके अंदर क्या है, एक चीज और, कि ये जो ABR जो होता है प्राइमरीली जो यूज होता है, ये जो हियरिंग लॉसेज होते हैं जिनको 30 dB से ज्यादा के, उनके लिए जो है उनको यूज किया जाता है। फ्रिक्वेंसी रेंज इनकी जो होती है 1000 से 4000 Hz होती है। ठीक है, हर्ट्स में, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। और ABR में भी यूज टू डिटेक्ट ऑडियो न्यूरोपैथी और न्यूरल कंडीशन डिसऑर्डर इन न्यूबॉर्न। तो ऑडिटरी न्यूरोपैथी के लिए और जो न्यूरल कंडीशन होती है किसमें, न्यूबॉर्न्स में, उनके लिए इसको यूज किया जाता है। तो ऑडिटरी न्यूरोपैथी क्या होती है, हियरिंग प्रॉब्लम इन विच द ईयर डिटेक्ट साउंड नॉर्मली बट हैज अ प्रॉब्लम सेंडिंग इट टू द ब्रेन। तो होता क्या है, ऑडिटरी न्यूरोपैथी एक वर्ड है, इसको याद रखना, ये टर्म आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ऑडिटरी न्यूरोपैथी का मतलब ये है कि आपको हियरिंग की दिक्कत है। ठीक है, आपके कान ठीक है, कान में कोई दिक्कत नहीं है, बट कान के अंदर से जो साउंड जाने में, मतलब वायर का ही जो है, जो आपकी नर्व्स होती है उनकी दिक्कत है। अंदर से साउंड, कान ठीक है बिल्कुल, बट अंदर जो आपका ब्रेन प्रोसेस करता है ना, वहां पे दिक्कत है, तो ऑडिटरी न्यूरोपैथी उसको बोलते हैं। ठीक है, और मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, डैश आर इलेक्ट्रो फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर्स यूज्ड फॉर हियरिंग स्क्रीनिंग बेस्ड अपॉन ब्रेन स्टेम टू रिस्पॉन्ड। तो मैंने आपको बताया था, डेवलपमेंटल चेकलिस्ट बता दी थी,
हाई रिस्क रजिस्टर बता दिया था, ओटोअकोस्टिक एमिशंस और ऑडिटरी ब्रेनस्टेम स्पॉन्स। तो मैंने अभी आपको बताया इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए बी आर, ऑडिटरी ब्रेनस्टेम स्पॉन्स। क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रोसीजर है, ठीक है, और डेवलपमेंटल चेकलिस्ट नहीं होती ना हाई रिस्क रजिस्टर होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये सब क्या होते हैं, ये आपके सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, ठीक है। ये बेस्ड होते हैं किस चीज पे, ये आपके बेस्ड होते हैं चेकलिस्ट के थ्रू या फिर डायरेक्ट डिस्कशन कम्युनिकेशन के थ्रू। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ऑडिटरी ब्रेनस्टेम रिस्पॉन्स, ये इसका आपका आंसर होगा, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज और बतानी थी, इन दोनों के अंदर एक माइनर जो डिफरेंस है एएसएसआर में और एबीआर में, ये कंफ्यूजिंग मत होना। एएसएसआर का मतलब क्या है, इसके अंदर जो साउंड स्टिमुली यूज की जाती है ना चेक करने के लिए, वो हाई रिपीटेशन रेट पे होती है, और एबीआर के अंदर क्या होता है, वो लो रिपीटेशन रेट पे होती है। तो कभी भी डिफरेंशिएशन अगर याद रखना हो तो इस तरीके से याद रखना, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये आपका सिक्स था, ठीक है, सिक्स मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये सिक्स था आपका, ठीक है। और अब आगे बात करता हूं मैं, आगे है सेवंथ, CERA, सेरा, कॉर्टिकल इवोक्ड रिस्पॉन्सेस, ठीक है। कॉर्टिकल इवोक्ड रिस्पॉन्सेस जो होता है ये क्या है, ये कहीं सर्टेन रेयरली कंडीशंस में किया जाता है। ये भी सेटअप जो है सिमिलर है बट थोड़ा सा अलग है, वो मैं बताता हूँ। ये क्या है, योर चाइल्ड मस्ट बी अवेक एंड रिलेटिवली स्टिल। इस टेस्ट के अंदर आपके चाइल्ड को जो है अवेक होना पड़ता है, मतलब वो जगा हुआ हो, वो सोया हुआ बिल्कुल भी ना हो, और वो अवेक रहेगा जब ये हो पाएगा। और इस टेस्ट के अंदर क्या होता है कि ही और शी मे बी आस्क्ड टू वॉच अ मूवी और हैव देयर अटेंशन फोकस्ड ऑन अ विजुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल टेस्टिंग। तो उसको कॉर्टिकल टेस्टिंग बोलते हैं, जिसके अंदर जो है बच्चे को अवेक रखा जाता है और उसको बोला जाता है आपको एक मूवी देखनी है। मैं आपको बताने के पीछे का रीजन ये है कि जब आप इन टेस्ट को याद रखोगे ना, एग्जाम में आपको डिफरेंशिएशन पता रहेगा, आप क्वेश्चन जो है विद इन 5 सेकंड कर पाओगे, क्योंकि आपको हर चीज के बारे में नॉलेज होगी। और जो ये ज्यादा बड़े टेस्ट नहीं है, सिंपल सिंपल है, किसी के अंदर जो है टेस्टिंग हो रही है, किसी के अंदर जो है बच्चे को अवेक रखा जा रहा है, ठीक है। तो आपको इन चीजों को याद रखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया सेरा के बारे में, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे है, तो ये जो है ये आपका एट्थ है, टिम्पेनोमेट्री एंड ओटोअकोस्टिक एमिशंस, ठीक है। तो इसके बारे में बताता हूँ, तो टिम्पेनोमेट्री क्या होता है, ये क्विक टेस्ट होता है, बहुत जल्दी टेस्ट हो जाता है, दैट मेजर्स मूवमेंट ऑफ ईयर ड्रम बाय चेंजिंग द प्रेशर इनसाइड द ईयर कैनल। इसके अंदर क्या है, ईयर कैनल का जो प्रेशर है वो चेंज कर दिया जाता है, कैसे, बाय चेंजिंग द प्रेशर। दिस इज द बेस्ट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग मिडल ईयर फ्लूइड एंड अदर प्रॉब्लम्स ऑफ द मिडल ईयर। तो ये बेसिकली मिडल ईयर के लिए होता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसके अंदर जो प्रेशर होता है ईयर कैनल का, उसको चेंज कर दिया जाता है, जिससे जो मिडल ईयर फ्लूइड है उसको डिटेक्ट करते हैं, एंड देन तो इसके अंदर पता लगाते हैं कि जो टिम्पेनोमेट्री के अंदर की जो मिडल ईयर में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये क्विक टेस्ट होता है। आगे है नाइन्थ आपका, ऑटो एक्यूस्टिक एमिशंस, ओएई, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। तो ये कि भी क्या होता है, ये इसी तरीके का टेस्ट होता है जैसा मैंने आपको अभी टिम्पेनोमेट्री बताया था। तो ये क्या क्या होता है, इसके अंदर ये कोक्लिया इनर ईयर के लिए होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या करते हैं, इसके ओएई टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, एक सॉफ्ट प्रॉप टिप टिप होती है, जैसा आप इसमें फोटो में भी देख पा रहे हो, इसको कान के अंदर डाला जाता है, ठीक है। और साउंड्स आर सेंट थ्रू दी प्रोब टिप इनटू दी ईयर, तो साउंड्स को भेजा जाता है उस टिप की मदद से, ठीक है। व्हेन द ईयर डिटेक्ट द साउंड द कोक्लिया एमिट्स अ रिस्पॉन्स बैक। तो जैसे ही आपका जो कोक्लिया होता है, जैसे कान आपकी आवाज सुनता है, तो कोक्लिया उसके बदले में एक रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। और उसी चीज को, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑटो एक्यूस्टिक एमिशंस, ओएई, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट होता है बच्चे के कान के अंदर, इट मींस कि आपकी जो हियरिंग है, बच्चे की हियरिंग है, वो नॉर्मल है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं कि जो ओएई है ये एब्सेंट, मतलब ये हो भी नहीं सकता। उसके पीछे का रीजन क्या है कि मिडल ईयर फ्लूइड की वजह से या फिर परमानेंट हियरिंग लॉस की वजह से, तो वो भी पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, मैनी रीजंस है वाई ओएई रिस्पॉन्सेज माइट बी एब्सेंट। तो ओएई रिस्पॉन्सेज नहीं मिल पा रहा, इट मींस मिडल ईयर जो आपका फ्लूइड है उसमें दिक्कत है या फिर परमानेंट हियरिंग लॉस है, ये चीज हो सकती है। और दूसरा, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है किन के लिए, नियोनेट्स के लिए, जो अभी अभी जो है पैदा हुए हैं। और ये क्या है, इट कैन डिटेक्ट अर्ली साइंस ऑफ सेंसोरो न्यूरल हियरिंग लॉस यूज फॉर स्क्रीनिंग एज वेल एज डायग्नोसिस ऑफ हियरिंग। तो ये टेस्ट जो है नियोनेट्स के लिए, जो जस्ट अभी पैदा हुए हैं, जिनको बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ है, कुछ दिनों के हैं, और सेंसोरो न्यूरिंग जो हियरिंग लॉस होता है उसको भी ये डिटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको तीन हियरिंग लॉस पढ़ाए थे, आपको याद होगा। तो टेंथ है आपका क्रिबोग्राम टेक्निक। क्रिबोग्राम टेक्निक क्या होती है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर अर्ली टेस्टिंग फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड इन्फेंट, जिनको नियोनेटल, जो जस्ट अभी अभी पैदा हुए हैं, ठीक है।
क्रिप्टोग्राम जो डेवलप करी थी वो एफ ब्लेयर सिमंस ने जो है इसको डेवलप किया था 1969 में विद द असिस्टेंस ऑफ फ्रेडरिका रस्ट एंड रोनाल्ड स्टारहम। तो ये चीज आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री का पार्ट था। और ये नियोनेटल के लिए यूज की जाती है। इस मशीन में क्या होता है, इस मशीन में जो है दोनों साइड स्पीकर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और स्पीकर कनेक्टेड होने के बाद जो है एक जो साउंड जो है प्रोड्यूस की जाती है, तो जैसे ही बच्चा मूवमेंट करता है उस चीज को जो है रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया जाता है। तो जैसे ही जैसे साउंड प्रोड्यूस की जाती है, तो हाई इंटेंसिटी वाली साउंड जो है प्रोड्यूस की जाती है, जिससे जो है बच्चा मूवमेंट करता है और उससे पता लगाया जा सकता है कि बच्चे को हियरिंग में दिक्कत है या बच्चे को हियरिंग में दिक्कत नहीं है। तो इस चीज का आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये आएगा, क्रिप्टोग्राम टेक्निक इज यूज फॉर हियरिंग इंपेयरमेंट, विजुअल इंपेयरमेंट। अगर आपको टेक्निक के बारे में नॉलेज रहेगी कि ये टेक्निक हियरिंग के लिए होती है और किन के लिए यूज की जाती है, इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्रिप्टोग्राम टेक्निक इज यूज्ड फॉर इन्फेंट, इन्फेंट पूछ सकते हैं, या फिर उससे बड़े बच्चे जो होते हैं एज वाइज उनके बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें पूछ सकते हैं एज के लिए, हियरिंग क्रिप्टोग्राम इज यूज्ड फॉर 0 to 2 years, 2 to 4 years, तो ये 0 से 2 years के कॉलम में आएगी। तो ये इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। और ये इस तरीके का इसका कुछ सेटअप होता है क्रिप्टोग्राम टेक्निक का। जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ लाउड स्पीकर है और इसी मशीन के ऊपर बच्चे को रखा जाता है, रिकॉर्डर अलग होता है और उससे जो है पता लगाया जाता है जब बच्चा मूवमेंट करता है, ठीक है। और फिर आगे है ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्सिस ऑडियोमेट्रिक बेरा, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसमें इसके जो अदर्स नेम है मैंने वो सारे डाल दिए हैं, BAP, BARA, BAER और ABR, ठीक है। तो इसका बैरा क्या जो है मैं आपको बताता हूँ, जैसा मैंने आपको अभी बताया था ABR बताया था, ASSR बताया था, तो इनमें है तो ये सेम टेस्ट पर लेकिन थोड़ा अलग 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 है, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ब्रेन जो फंक्शन होता है ना, ब्रेन जो एक्टिविटी होती है, ये बिल्कुल पेनलेस टेस्ट होता है, इसमें कुछ नहीं होता। और इसके अंदर जो है आपकी जो ब्रेन वेव्स हैं उनको मॉनिटर किया जाता है पार्टिकुलर लेजन पे। पार्टिकुलर लेजन का मतलब ये है कि पार्टिकुलर जहां पे आपको दिक्कत है, जो चोट है, मतलब मैंने आपको बताया था ना ऑडिटरी न्यूरोपैथी। तो यहाँ ऑडिटरी न्यूरोपैथी का मतलब हुआ कि आप कान से सुन पा रहे हो पर लेकिन वो अंदर प्रोसेस नहीं कर पा रहा, तो ये उसी चीज को उसी लोकेट किस चीज को लोकेट करता है, सेम जहाँ पे दिक्कत है, जो मेन पॉइंट है जहाँ पे जिस वजह से आप सुन नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो किस ऑडिटरी पाथवे में आपको दिक्कत है, ये उस चीज को मॉनिटर करता है कौन, जो मैंने आपको बैरा बताया है, ये बच्चों के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर इसको बोलते क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट के अंदर आता है बैरा, ठीक है। और ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये 1 to 3 years वाले बच्चों के लिए यूज किया जाता है। और दिस इज नॉट ओनली यूज फॉर सीवियरली प्रोफाउंड हियरिंग इम्पेयरमेंट बट ऑल्सो फॉर मिडिली माइल्डली, दिस इज यूज फॉर नॉट ओनली द सीवियरली और प्रोफाउंड हियरिंग इम्पेयरमेंट बट ऑल्सो माइल्डली अफेक्टेड इन्फेंट। तो जो सिर्फ सीवियर और जो प्रोफाउंड है सिर्फ उनके लिए नहीं, जो थोड़े बहुत भी इन्फेंट, जो इन्फेंट जिनको दिक्कत है ये उनके लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। और ये न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन जो आपका 8th नर्व ट्यूमर होता है उसको भी आइडेंटिफाइड करने में ये जो है सक्षम है, खुद कैपेबल है जो ये टेस्ट है बैरा, ठीक है। पर ABR नहीं है, ASSR नहीं है, इस चीज का याद रखना, एज याद रखना। तो ये जो टेस्ट है हमें क्या बताता है, तो ये क्या है, ये बैरा जो है हमारे जो इनर ईयर जो वर्क कर रहा है, जैसे इनर ईयर के अंदर क्या है आपका जो कोक्लिया है या फिर जो ब्रेन पाथवेज हैं जो हमारी साउंड को पहुंचाते हैं वो ढंग से वर्किंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और दूसरा पेरिफेरल हियरिंग सिस्टम जो है वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें वो भी बताते हैं, ठीक है। तो ये कैरेट जो ये किया जाता है, ये एक बैरा इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरीके का, उससे जो है इसको किया जाता है। और आगे मैंने आपको अभी एक टर्म के बारे में बोला, द पेरिफेरल ऑडिटरी सिस्टम, तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। पेरिफेरल ऑडिटरी सिस्टम क्या होता है, कंसिस्ट द आउटर द मिडल एंड द इयर ईयर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग एंड एनालाइजिंग साउंड सिग्नल्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड एज एन ऑडिटरी परसेप्ट। हम बैठते हैं, हमें कोई कुछ भी बोलता है तो हमारा कान का जो स्ट्रक्चर है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कान का स्ट्रक्चर, और जैसे कोई बोलता है ना तो इसी को पेरिफेरल ऑडिटरी सिस्टम बोलते हैं कि हमारा ये एरिया कैसे वर्क कर रहा है। इसलिए जो बाहर का ये पार्ट है ना तुम्हारा कान निकला हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है किस चीज के लिए, साउंड को कैप्चर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। तो इसको पेरिफेरल ऑडिटरी सिस्टम का मतलब है कि हमारा जो प्रोसेस हो रहा है पूरा आवाज आने से लेके आवाज जाने तक का, उसको ऑडिटरी परसेप्ट तक, उसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल ऑडिटरी सिस्टम। तो आगे क्या है क्वेश्चंस में, विच टेक्नोलॉजी, ये जो है क्वेश्चन आपका आया हुआ है TGT का,
विच टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व मेजरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द आउटर हेयर सेल्स ऑफ द कोक्लिया। तो मैंने आपको अभी बताया कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो मेजरिंग कर रही है क्या इंटीग्रिटी ऑफ आउटर हेयर सेल्स ऑफ द कोक्लिया। तो डेवलपमेंटल चेकलिस्ट तो देखो आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर आता है, ठीक है। हम इसमें पेरेंट्स का, केयर टेकर्स का, ठीक है, और बाकी जो लोग हैं जो बच्चे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और हाई रिस्क रजिस्टर भी नहीं होगा HRR। तो उसमें दो ऑप्शन बचते हैं, ऑटोएकोस्टिक एमिशंस और ऑडिटरी ब्रेनस्टेम रिस्पॉन्स। तो मैंने आपको बताया था ऑडिटरी ब्रेनस्टेम रिस्पॉन्स का कोई लेना देना नहीं है आउटर हेयर सेल से और कोक्लिया से, उसका सिर्फ किससे लेना देना है, उसका ऑटोएकोस्टिक एमिशंस से, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर जो है इसका आंसर बी होगा, ऑटोएकोस्टिक एमिशंस, ठीक है। फिर भी जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैं आपको फिर भी ऑटोएकोस्टिक एक बार बता देता हूँ। जहां से मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये देखो आप, ठीक है, ये क्विक मेजर किसके लिए होता है, कोक्लिया इनर फंक्शन के लिए, ठीक है। और यहीं पे ही इस बारे में जो है पूछा गया है, जो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताया है, ये रहा आपका क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना। तो आगे है आपका 12th पे इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री। इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री क्या होता है, इसको यूज किया जाता है मिडल ईयर स्क्रीनिंग के लिए, इसको याद रखना। तो जो इम्पीडेंस ऑडियोमीटर होता है वो क्या करता है, किस चीज में हेल्प करता है डिटरमाइन करने में, जो आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन मोबिलिटी है, मिडल ईयर प्रेशर को, स्टेशन ट्यूब फंक्शनिंग को, नॉन ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस को, और अकॉस्टिक रिफ्लेक्स थ्रेशोल्ड, 8th एंड 7th क्रैनियल नर्व फंक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं टर्म आपको सुनी हुई नहीं लग रही होगी। तो सिंपल है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है हमारे कान में, उसकी मोबिलिटी मतलब उसको चेक करने के लिए वो ढंग से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। दूसरा, मिडल ईयर में प्रेशर है या नहीं है। तीसरा, स्टेशन ट्यूब फंक्शनिंग को चेक करता है। फोर्थ, नॉन ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। तो नॉन ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस क्या होता है, जैसा आपने देखा होगा, मैंने पहले ही बताया था कि धीरे धीरे ना कान के अंदर हियरिंग कम होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, और हमें समझ नहीं आता कि वो किस वजह से है। ना तो कान के अंदर कोई दिक्कत है, ना कोई टेस्ट में आ रहा है, आपका कान भी ठीक है, दिखने में भी ठीक है, पर लेकिन फिर भी आपकी हियरिंग कम हो रही है। नॉन ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस जो है उसको बोलते हैं, जिसमें कि आप जो आपकी हियरिंग है वो धीरे धीरे जा रही है, बट एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा कि वो क्यों हो रही है कम, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस, ठीक है। तो अकॉस्टिक रिफ्लेक्स थ्रेशोल्ड मतलब जो आपके क्रैनियल नर्व फंक्शन होते हैं, 8th एंड 7th, उसको भी डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो इस चीज को जो है आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, इम्पेडेंस ऑडियोमीटर हेल्प टू डिटरमाइन, ये जो नियोनेट्स हैं, ठीक है, नियोनेट्स के लिए भी किया जाता है स्लीपिंग चिल्ड्रन में। और ये जो टेस्ट है ये जब परफॉर्म नहीं हो सकता, अगर बच्चा रो रहा हो, क्राइंग कर रहा हो, मूव कर रहा हो, या फिर कुछ बोल रहा हो, इम्पीडेंस ऑडियोमीटर हेल्प टू डिटरमाइन। तो ये जो टेस्ट है ये नियोनेट्स पे किया जाता है स्लीपिंग चिल्ड्रन में। और इस टेस्ट की ना एक बात हो रहा है, ये टेस्ट उन बच्चों पे नहीं हो सकता जो बच्चे रो रहे हो, या फिर मूव कर रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा बोल रहे हो, ये उन बच्चों पे जो है ये टेस्ट नहीं हो सकता, और इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये मैंने बताया इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री के बारे में आपको बता दिया था, ठीक है। ये इस इक्विपमेंट से जो है इसको किया जाता है, ये इक्विपमेंट होता है। और आगे चलते हैं, 13th है आपका ऑडिटरी रिस्पॉन्स क्रेडल, ठीक है, ARC फुल फॉर्म याद रखना। और इसके अंदर क्या होता है, ये फुली ऑटोमेटेड माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल मशीन होती है बच्चे के लिए, और ये फुल टर्म नियोनेट्स के लिए होती है जो जस्ट अभी अभी पैदा हुए हैं, तो ये उनके लिए होती है। ज्यादातर जो हाई डिटेक्शन जो रेट होता है बच्चों का, जिनको ज्यादा दिक्कत होती है हियरिंग लॉस की, और ये कंफर्म करती है मशीन कि प्रैक्टिव पॉसिबिलिटी क्या है बच्चे के बिहेवियर को देख के, ठीक है। और ये क्या है कि हर जगह यूनिवर्सल स्क्रीनिंग में यूज की जाती है, किन के लिए, नियोनेट्स के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए। तो आपको इस चीज का याद रखना है, ये आपके आपको जो है इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ऑडिटरी रिस्पॉन्स क्रेडल, इसको याद रखना, ये फुल एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। तो आपको इस चीज का याद रखना है। बाकी आगे यहाँ तक जो है मैंने आपको बता दिया था। तो टोटल जो मैंने आपको टेस्ट बताए थे अब तक, आप ये देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो टेस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, ये रहे आपके सारे टेस्ट, जैसा आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो टोटल मैंने आपको जो है ये आपके टेस्ट बता दिए हैं सारे, ठीक है। पहले मैंने आपको टोटल यहाँ तक बताए थे, प्योटोन ऑडियोमेट्री तक। इसके बाद मैंने आपको ABR बताया था, ठीक है, सारा बताया था, टिम्पेनोमेट्री बताया था, ठीक है, OAE बताया, क्रिबोग्राम बताया, और बैरा भी बताया, और इम्पेडेंस ऑडियोमेट्री बताया, और ऑडिटरी रिस्पॉन्स क्रेडल भी बताया। तो आपको याद रखना है, ये मैंने ऐसे पार्ट बांट दिए थे, ठीक है। तो टोटल मैंने अभी तक जो है आपको 8 पढ़ाए हैं, ठीक है। इसके अंदर 8 कौन कौन से पढ़ाए हैं, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है आपका, ये देखिए यहाँ पे पहला ये रहा, ठीक है, और इसके बाद जो है आपका यहाँ पे दूसरा ये रहा यहाँ पे, ठीक
ठीक है, तीसरा ये रहा आपका यहाँ पे, चौथा ये रहा आपका ऑटोएक्यूस्टिक, ठीक है, पांचवा ये रहा, ठीक है, और आपका इसके बाद छठा ये रहा, ठीक है, इसके बाद आपका जो है ये, इसके बाद सेवंथ आपका ये रहा, और एट जो है आपका मैंने आपको अभी बताया, एट ये रहा। तो टोटल मैंने आपको जो है 14 टेस्ट बताए हैं, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और इनको आप अच्छे से पढ़ना, और अगर किसी को डाउट है तो मेरे को जो है कमेंट में एक्सप्लेन करे, किसी भी चीज को लेके हो सकता है वो आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो है डीप ब्लाइंडनेस के जो कम्युनिकेशन है, और वो मैं आपको बताऊंगा, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम से चीजें हैं, और कुछ उसके आपके क्वेश्चंस भी हैं जो आए हैं, तो मैं आपको हर चीज के बारे में तरीके से बात करूंगा, और जो भी टर्म है आपकी जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा, चाहे वो आपके ये वाले क्वेश्चन हो या फिर वो आपके किसी भी चीज से रिलेटेड हो, मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा। ये सारे इंपॉर्टेंट जो है आपके क्वेश्चंस हैं, ये जो डीप ब्लाइंडनेस के रिलेटेड हैं, ये जितने भी हैं ये सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे इनके बारे में बात करूंगा, और मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपसे डीप ब्लाइंडनेस के कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो ये वीडियो चलती रहेंगी आपकी आगे तक, अभी आपकी आईडी के ऊपर भी वीडियोस आनी है मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर, तो मैं आपसे उनके बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, और अगर किसी को भी डाउट है किसी चीज के रिगार्डिंग तो वो मुझसे पूछे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप अपनी प्रिपरेशन करते रहे, और जो है वैकेंसी से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी अपडेट है, ज्यादा लंबी नहीं है, बट सुनने में ये आ रहा है कि जो आपकी वैकेंसीज हैं वो जुलाई अगस्त तक जो है आपकी वैकेंसीज आ जाएंगी, तो मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन करो, अपडेट में रहो, और वैकेंसीज का ज्यादा वेट मत करो, सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, और अपना जो है ध्यान रखें, पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव रहें, और अपनी प्रिपरेशन करते रहें।